आज हम बात करेंगे, सिखाना कठिन है सीखना सरल है, पढ़ाना कठिन है पढ़ना सरल है, बताना कठिन है बात मानना सरल है। लेकिन पता नहीं इस जीव को कठिन काम अच्छे लगते हैं, सरल काम अच्छा नहीं लगता। अरे वो कार्य पराधीन है, पता नहीं कोई मानेगा कि नहीं, कोई सुनेगा कि नहीं, कोई समझेगा कि नहीं, लेकिन हमारा मानना, हमारा सुनना, हमारा समझना सब कुछ सरल है। जानना कठिन है जानना सरल है, इसलिए आप सरलता से अपनी चीज का हित, अपनी चीज का लाभ उठाओ ना। मतलब भगवान बनना सरल है, दूसरों को भगवान बनाना कठिन है। उपदेश पर चलना सरल है, उपदेश देना कठिन है, लेकिन हमें वो कठिन काम अच्छे लग रहे हैं, सरल काम बुरे लग रहे हैं। लेकिन आपको पता है, दूसरा कितना ही सुधर जाए, हमारे में कुछ सुधार नहीं होने वाला। लेकिन दूसरा ना सुधरे पर हम 1% भी सुधरे तो उससे हमें ही लाभ होने वाला है। इसलिए सरल काम को पहले अपनाओ, समझाने में शक्ति नहीं लगाओ, समझने में शक्ति लगाओ, बताने में शक्ति मत लगाओ, बात मानने में शक्ति लगाओ, दुनिया को जानने में शक्ति मत लगाओ, स्वयं को जानने में शक्ति लगाओ। वक्ता पहले ज्ञाता है बाद में बकता है, ज्ञाता श्रोता पहले ज्ञाता है बाद में श्रोता है। इसलिए ये दूसरों के विकल्प हमें निर्विकल्प नहीं होने देंगे, और हमें निर्विकल्प होना है क्योंकि हमने उसकी प्रतिज्ञा ले रखी है। इसलिए सारे विकल्प तोड़िए और स्वयं से नाता जोड़िए। आइए मुश्किल से मिली पर्याय सच्ची समझ को जगाने में, स्वयं को समझाने में, स्वयं में समाने में खर्च करें। यही सार है बिचारना भाई।